आपकी जन अदालत न्यूज पर हम दतिया जिले के पंडोखर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आपको लेकर के आए हैं दीवान जी का डेरा। दीवान जी का डेरा इस क्षेत्र को इसलिए कहा जाता है क्योंकि पंडोखर थाने में पदस्थ रहे पूर्व प्रधान आरक्षक गयाराम दीवान जी नौकरी में सेवाएं करने के बाद उन्होंने एक अनूठा उदाहरण पेश किया है। जिस प्रकार भारत सरकार मोदी सरकार आत्मनिर्भर बनाने की बात करती है, ठीक उसी पर चलने के लिए गयाराम बाथम ने नया इतिहास दोहराया है। उन्होंने अपने गांव में ही बंजर भूमि को उपजाऊ भूमि बनाकर एक नया उदाहरण पेश किया है, जहां पर उन्होंने तमाम प्रकार के पेड़ एवं सब्जियां लगा करके अपने आय का साधन बनाया है। तो सीधी तस्वीरें आपकी जन अदालत न्यूज पर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ये दीवान जी का डेरा है जो कि पंडोखर थाना क्षेत्र के अंतर्गत है, समथर मोड़ पर है, जहां पर दीवान जी गयाराम बाथम ने तमाम प्रकार की सब्जियां, फल एवं बहुत से पेड़ पौधे लगाकर अपने आय का स्रोत बनाया है। इस संबंध में हमने सीधी बात की है गयाराम बाथम के साथ, जो कि पुलिस की सेवा करने के बाद उन्होंने आत्मनिर्भर बनने के लिए एक नया उदाहरण पेश किया है आपकी जन अदालत न्यूज पर। आपकी जन अदालत न्यूज का आज का विशेष कवरेज, हम पहुंचे हैं दतिया जिले में पंडोखर थाना क्षेत्र के अंतर्गत। आज हमारे एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात कराएंगे जिन्होंने पुलिस की सेवा की और पुलिस के बाद वो शहर न जा करके सीधा गांव की तरफ पहुंचे और गांव में ही उन्होंने बीहड़ की जो बंजर भूमि थी उसे उपजाऊ बनाने के लिए, अपने आय का स्रोत बढ़ाने के लिए उन्होंने फसल तो की ही, इसके साथ साथ वो आज पेड़ पौधे भी लगा रहे हैं और आज फल उनके हाथों में आप देख रहे हैं। ये गयाराम बाथम हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि पुलिस विभाग में प्रधान आरक्षक रहे हैं और पुलिस विभाग प्रधान आरक्षक के बाद उन्होंने जब सेवाएं पूरी कर ली तो वो अब बागवानी की तरफ लौटे हैं और कहते हैं कि प्राकृतिक सुंदरता को बढ़ाने के लिए हमें लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। सबसे पहले उनका परिचय जानेंगे, क्या नाम है? गयाराम बाथम, रिटायर्ड प्रधान आरक्षक, पंडोखर थाने से हम रिटायरमेंट हुए। अब रिटायरमेंट के बाद अपनी ये बागवानी, आम के पेड़े हैं, 10-15 आम के पेड़े हैं और चीकू के हैं 4-5 पेड़े, अनार के हैं 4-5 पेड़े और कुछ जो ड्रैगन फ्रूट हैं उसके भी पेड़ पौधे लगे हैं, वे भी चालू हैं। उन्होंने बहुत सुंदर बागवानी की है, आप देख रहे हैं चारों तरफ मेरे गुलाब के फूल हैं और इसके साथ तमाम प्रकार के पेड़ पौधे उन्होंने लगाए हैं। गयाराम बाथम जी से आज की नॉलेज लेंगे किस तरीके से, किन प्रेरणा दी, कैसी प्रेरणा मिली गयाराम? ये प्रेरणा क्या है, जो हमारी जय गुरुदेव नर्सरी है दतिया में है, तो बच्चे की वो उसमें जो पेड़ वेड़े लगाता था वहाँ से ये पेड़ अपन ने जय गुरुदेव नर्सरी से लगाए। हाँ, और जो फूल है तो क्या है, यहाँ आसपास के लोग वाग जो अखंड रामायण करा रहे हैं, भागवत करा रहे हैं, तो उसमें क्या है, हमारे बच्चे हमको और परिवार को बड़ी खुशी होती है, फूल लेने के लिए आते हैं तो खुशी किससे फूल तोड़ के निःशुल्क सेवा करते हैं हम लोग और खुशी होती है। गयाराम बाथम जी, आपने यहाँ कौन कौन से पेड़ लगाए हैं जो आप सबसे ज़्यादा खूबसूरत भी हैं और उनके फल जल्दी? जैसे आम के पेड़े हैं, हैं करीब 20-25 हैं और इसके हैं चीकू के हैं 4-5 पेड़े और ड्रैगन फ्रूट के हैं पेड़े 4-5 हैं, उसमें फल भी लगे थे। आता है कि कोई भी धार्मिक कार्यक्रम हो या फिर कोई यदि आपका आपके क्षेत्र में आता है कोई धार्मिक कार्यक्रम को लेकर आपके पास आते हैं तो निःशुल्क आप फूल वगैरह देते हैं? निःशुल्क हम फूल वितरण करते हैं, वो खुशी होती है हम लोगों को जी, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपके आय के स्रोत में भी एक बंधन सा लगता हुआ, यदि आप निःशुल्क देते होंगे तो आपका आय का स्रोत कैसे बढ़ता है, कैसे क्या करते हैं? आय का स्रोत, अब जैसे पंडोखर सरकार का मेला चालू हो जाता है तो वहाँ से जो मेला जो फूल वगैरह माला बना के चढ़ाते हैं तो वे भी यहाँ पर पैसे दे जाते हैं और ले जाते हैं फूल। तो गयाराम बाथम जी, आपकी तरह तमाम जो पुलिस विभाग में सेवा कर रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं आप रिटायर होने के बाद कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि शांति हो
जहाँ अपन बाहर की व्याधियों के झंझट से दूरी बनाए और अपने अपने गांव लौटें, अपने स्वदेश लौटें और अपने गांव में ही गांव वालों के बीच ऐसी खेती करें जिस तरीके से आपने जंगल में बीड़ की भूमि को उपजाऊ भूमि बनाया है। हाँ, ऐसे दो साल से करीब जो कोरोना के वजह से लॉकडाउन बना रहा है, तो यहाँ पर जो पेड़ हैं, वृक्ष हैं, तो इसमें अपना टाइम भी पास होता रहा और कोरोना से भी बचते रहे हम लोग हैं। और शुद्ध वातावरण हैगा, तो खुशबू आती है सवेरे शाम को, फूलन की के मोगरा फूल है, गुलाब के हैं और ये कौन सा गंधराज का फूल है, बहुत खुशबू आती है उनसे सवेरे के टाइम पे। यदि कोई भी मीडिया कर्मी कहें या कोई भी आपके क्षेत्र में घूमने के लिए आए हैं तो किस तरीके क्या पता है आपका पूरा? हाँ, जो पूरा पता है हमारा जिला दतिया, तहसील भाणेर, समथर मोड़ और दीवान जी का डेरा। निश्चित रूप से ये तो आपके नाम से हो गया दीवान जी का डेरा। आपको कभी भी क्षेत्र में, यदि आप कभी पंडोखर क्षेत्र में घूमने के लिए, पंडोखर धाम आए कभी घूमने के लिए, तो आप एक बार दीवान जी का डेरा कहते हैं, क्योंकि वो प्रधान आरक्षक रहे हैं पुलिस विभाग में, तो लोग उन्हें दीवान जी कहकर पुकारते हैं। तो इसी तरीके से एक इनका एक छोटा सा नुक्कड़ जो इस यहाँ पर बागवानी है जो कि इसको आप दीवान जी का डेरा बोलते हैं, तो आप यहाँ आके घूम सकते हैं, देख सकते हैं और यहाँ का आनंद ही ले सकते हैं। हाँ, जो कोई बाहर से आते हैं घूमने के लिए तो हमें बहुत खुशी होती है, उसे ही परिवार को होती है। हाँ, उससे अपन को क्या है, शांति मिलती है और अच्छा लगता है। ये कोई गेस्ट आते हैं बाहर से तो अच्छा लगता है। तो गांव में भी व्यक्ति घर बैठे पैसा कमा सकता है। पैसे कमाने के लिए हुनर चाहिए, आत्मविश्वास चाहिए, कड़ी मेहनत चाहिए और आत्मविश्वास की ज़रूरत है। जब हमारा आत्मविश्वास मजबूत होता है और मेहनत परिश्रम करते हैं, निश्चित रूप से सफलता मिलती है, जिस तरीके से दीवान जी को मिली है। नमस्कार कि जन अदालत न्यूज पर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में हमारे साथ जुड़ने के लिए आप देश के किसी भी कोने से हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपने हुनर को देश दुनिया तक पहुंचा सकते हैं घर बैठे। इंटरव्यू कैसे होगा ये हम आपको बताएंगे। नीचे जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं उस पर आप कॉल करें और आपकी जन अदालत न्यूज़ के साथ जुड़िए। हम हर दिन नए मेहमान के साथ हाजिर होते हैं, एक एक्सक्लूसिव लाइव इंटरव्यू शो में हाजिर होते हैं और यदि आप हमारे इस इंटरव्यू में शामिल होना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कीजिए और नंबर आप नोट कर लीजिए 9755157059 पर आप मुझे कॉल करें और हमारे साथ जुड़े रहिए। आपकी जन अदालत न्यूज पर दमदार खबरों को देखते रहने के लिए आपकी जन अदालत न्यूज चैनल पर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करते रहें मेरे साथ। एवरग्रीन कलर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रंग है तो जीवन है। स्टे होम स्टे सेफ।